स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को ही अपन वापस डील करेंगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है, चार्ज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। चार्ज होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये नेगेटिव पीछे आता है। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर उसका अलग है। मैग्नीट्यूड इज सेम बट नेचर इज डिफरेंट। नेचर क्या है, डिफरेंट है। फिर दूसरा बोला, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या है, क्वांटाइज। क्वांटाइज म्हणजे काय, क्वांटाइज मतलब एक यूनिट डिफाइंड है, जो भी चार्जेस होंगे वो सारे बेसिक ई के मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे, बेसिक ई के मल्टीपल्स होंगे। क्या ये सबको समझ में आया। फिर एक और बताया था, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बट फोर्स जो है ड्यू टू टू चार्जेस वो कैसा है, वो वेक्टर है और वो एक्ट करता है अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अच्छा, अब ये फोर्स की वैल्यू है कितनी, 1/4πε Q1 Q2/r2। कितने लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ रखी है, यस नो बोलो, पहले कभी देखा है क्या ये इक्वेशन को, फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 and Q2 इज गिवन एज K Q1 Q2/r2। बेसिकली ये K की वैल्यू होती है 1/4πε। अच्छा, कितने लोगों ने ये पढ़ रखा है ग्रेविटी में, कैपिटल जी m1 m2/r2। ये मास है m1, ये मास है m2, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ये कितनों ने देख रखा है, इक्वेशन टू, ये इक्वेशन वन। अच्छा, इक्वेशन टू किसने दिया, इक्वेशन टू अपने न्यूटन चाचा ने, न्यूटन अंकल ने बोला दो मासेस हैं m1 m2, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वेर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ये। तो और ये के क्या है, सेम ये जो है कूलम अंकल ने इनका छाप लिया। ठीक है, कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच में फोर्स ऐसे दिया जाता, M1 की जगह Q1, M2 की जगह Q2, ये R स्क्वायर, ये कांस्टेंट G दिया न्यूटन ने, उसने K दे दिया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही। अच्छा, जो ये जो है, ये है कूलम्स लॉ। क्या है ये, कूलम अंकल ने दिया, ये न्यूटन अंकल ने दिया, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन अंकल ने बहुत ज्यादा काम किया है, तो उनका एक ये भी है, वो जो सेब गिरा था ना, तो सेब गिरने की वजह से उन्होंने ये सब डिस्कवर किया। अच्छा, उन्होंने एक और चीज डिस्कवर करी जो कि आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, उन्होंने कैलकुलस डिस्कवर किया ताकि न्यूटन्स लॉ को अच्छे से प्रूव कर सके। तो ये जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू है 1/4πε और ये है 9×10⁹। इसकी वैल्यू कितनी है के की, 9×10⁹ वैल्यू है के की। कितनी वैल्यू है, क्या यहां तक लिख लोगे, ये एकदम छाप लिया, ठीक है, कॉपी किया, ये छाप लो, यहां तक क्लियर है। सर वो ई के आगे क्या है, एप्सिलॉन, ये जीरो ऐसे नॉट लगाते हैं, नॉट, जैसे वी नॉट, के नॉट, इसको नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, बाद में पढ़ाऊंगा मैं फिजिक्स में, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, नॉट, NOT, नॉट, अरे स्पेलिंग गलती कर, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन, ये एस आई आएगा, ये नाम है इसका,
स्पेलिंग में मेरे से गलती हो सकती है, तो ये एकदम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको नाम बोलते हैं, ये जो ई है ना ई, इसको एप्सिलॉन नाम बोलते हैं। जैसे नहीं होता तो डेल्टा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो वैसे एप्सिलॉन भी एक टर्म है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अभी कोई काम नहीं है इसका, अभी एकदम चिल रहो। क्या बात है, राघव भी है? ओके इज राघव। नंदिनी कुछ चमक रहा क्या ऊपर से जा रहा, चमक ऐसा रहा? ओके चलो अभी देखो कुछ खतरनाक चीजें करते हैं। कितने लोग इस चीज को जानते हैं? अब फटाफट डन लिखो, थम्स अप मारो अगर हो गया तो। ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन एज के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ओके शाबाश, वेरी गुड। आता बगुया, देखो मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है। प्रियंका बताओ बेटा, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100। वेरी गुड शाबाश। क्या मैं इसको 10⁻² लिख सकता हूँ बेटा? यस सर। अच्छा ये चीज हो गई। अच्छा बेटा ये बताओ, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? प्रियंका 1000 मीटर। 1000 मीटर शाबाश। अच्छा 1000 को मैं 10⁻⁷ कितना लिख सकता हूँ? थ्री। सर 3। वेरी गुड। क्या पूरी जनता को ये सब कुछ पता है? ये है डिस्टेंस का कन्वर्जन देखना। अपन क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस का कन्वर्जन देखना। अच्छा अब किलोमीटर हो गया, वैसे ही मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इससे छोटी यूनिट भी होती है, इससे छोटी यूनिट भी होती है। अच्छा ध्यान से देखना, ये देखो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर हो, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? अर्जुन बताओ, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा बेटा? 10 मीटर, 10 मीटर? सॉरी सर 100, डिंका चिका डिंका नहीं सर चिका। 0.1, 0.01। 0.01। 0.01 होगा। ये बताओ सबको चमक रहा क्या? अरे देखो ना अभी ये क्या लिखा था मैंने, 1 मीटर है 10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर इज 1/10⁻²। तो ये है 10⁻²। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। बोलो सबको चमका क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। अच्छा ये कन्वर्जन सबको क्लियर है? क्या बात है सोम, कौन से फॉन्ट में लिख रहे है? सोम आर्टिस्ट है भाई, मेरे को लग रहा। ओके अच्छा किसी ने मिलीमीटर का नाम सुना है क्या? मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितना मीटर हुआ? 1 मिलीमीटर कितना मीटर हुआ? नहीं पता किसी को? खुशी ₹10⁻³। 10⁻³। बेटा ये होता, ये 10 की पावर में लिख रहे हैं अपन, 0.0 नहीं लिख रहे। 1 मिलीमीटर, देखो 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 ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये कितना हुआ? 10⁻⁹ सेंटीमीटर।
अच्छा एक सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 10^-2 मीटर, तो ये कितना हुआ 10^-3। क्या मेरी बात सबको चमक गई? ये कन्वर्जन थोड़े से टफ है, बट याद रखने पड़ेंगे। जितने भी डब्बे बना रहा हूं कन्वर्जन आते हैं बेटा, है ना? फिर इस पे होमवर्क भी दूंगा, हो गया तो डन लिख लो। वेरी गुड। चलो कोहली ने भी लिख लिया, कुछ ही सबने लिख लिया। ओके बेटा। अच्छा ये नाम सुना है क्या? नंदिनी लिख लिया क्या बेटा? मैसेज करो केजीपी सर करके। ऐसा हाँ मैसेज करना आपको केजीपी सर करके, है ना? मैसेज केजीपी सर मैसेज करके, तो उसमें आपको मैसेज करने होते हैं कि भाई सर मैंने लिख लिया है। अच्छा इसके बाद कुछ और छोटा यूनिट सुना है क्या आपने? मिलीमीटर से छोटा, मिलीमीटर से छोटा होता है माइक्रोमीटर, उससे छोटा क्या होता है माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर ये ऐसे, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10^-4 -4। बिल्कुल गलत। टेन माइक्रोमीटर रेज टू पावर -6। -6। कौन बच्चा बताया? अरे मुझे आइडेंटिफाई नहीं होता ना बेटा आवाज से, क्लास में होते तो बता सुप्रियम देते। का प्रियंका। ओके देखो बेटा, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा इज माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा इज माइक्रोमीटर। तो दिस इज 1 मिलीमीटर बाई 10^3। 1 मिलीमीटर पहले सा था -3 मीटर, ये 10^3, तो ये 10^-6 मीटर आहे। का ये कर ये याद रख लेंगे, 1 माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर है। छोटे यूनिट्स पे चले गए, माइक्रोमीटर 10^-6, मतलब 1 मीटर के कितने टुकड़े कर दिए? 1 मीटर के कितने टुकड़े कर दिए अपन? अच्छा कोई बता सकता है क्या 1 माइक्रोमीटर कितना हुआ पार्ट हो गया 1 मीटर का? अच्छा मिलियन, मिलियन का नाम सुना है क्या? मिलियन नहीं पता किसी को भी? अरे यूएस वेस में तो सब मिलियन मिलियन ही बोलते हैं ना। कितना होता है सोम, 1 मिलियन कितना होता है? दस लाख। 10 लाख में कितने जीरो हो गए? हे भगवान कितने जीरो होते? छह छह जीरो होते। तो 1 मीटर का 10 लाख टुकड़े करो तो जो मिलेगा वो 1 माइक्रोमीटर मिलेगा। अच्छा 1 बिलियन कितना हो गया? 1 बिलियन राघव, 1 बिलियन बेटा कितना होता? एक बिलियन कितना होता बेटा? ये भगवान राघव क्या कर रहे तुम? एक बिलियन कितना था? बिलियन बिलियन क्या लग रहा है तुम लोग? कुछ देखते ही नहीं है, टीवी ये सब कुछ देखते ही नहीं। 1 बिलियन। हाँ वही तन्मय बताओ। 100 करोड़। 100 करोड़। अरे मोदी जी बोलते हैं ना कि देशवासियों या इतने 100 करोड़, 30
नहीं 130 करोड़ की जनता, वैसे अपने इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से ऊपर है, 100 करोड़ से ज्यादा है। ये बेसिक डाटा है, सब आना चाहिए, जो सपना रहना चाहिए कि मैं 1 बिलियन फटाफट कमाऊंगा। मान लो अपना सोहम है, सोहम की यूएस में जॉब लग गई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में लग गई या गूगल में लग गई, तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल कितना देगा उसको? स्टार्टिंग पैकेज मान लो सोहम को दिया 2 लाख यूएस डॉलर, कितना दिया? 2 लाख यूएस डॉलर। सोहम कितने पैसे मिल रहे तुम्हें फिर बताओ, इंडिया के हिसाब से कितने मिल रहे? स्टार्टिंग पैकेज 1 लाख यूएस डॉलर या 2 लाख यूएस डॉलर? आईआईटी बॉम्बे ईयर 2027, अरे भाई 2 लाख यूएस डॉलर कितना होगा अप्रॉक्स? 1 डॉलर की वैल्यू होती है अभी करंट में, 1 डॉलर की वैल्यू है समथिंग अराउंड 70 ले लो, 72 75 तक बोल सकते, चलो 70 बोल लो, तो कितने पैसे मिल रहे हैं? 1.4 करोड़ 1.4 CR। अरे तुम लोग ये सब कन्वर्जन याद रखो, तुम लोग यही सब में डील करने वाले हो। यहाँ पे अगर आ रहे हो आईआईटी का सोच रहे हो तो अभी थिंकिंग वैसे ही रखो, आईआईटी में होने वाला है, यूएस में अपने को जॉब मिलने वाली, सब कुछ डॉलर में आने वाला है, तो अपने यूज टू इट हो जाओ, ठीक है? ओके, कितने लोग? अच्छा ये देखो ध्यान सुनो, एक सिंपल सी चीज पूछ रहा, आपका टारगेट क्या है, आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में गोल तो सेट करना होगा ना। मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बैटिंग मेरे को गोल तो सेट करना पड़ेगा ना कि मेरे को 100 मारनी है, सेंचुरी मारनी है। तो ऐसे तुम इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, गोल क्या है? बैटिंग कर रहा हूँ किस लिए? बस बॉल खेलने के लिए थोड़ी, रन बनाने के लिए। वैसे तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो किसके लिए? ताकि एक अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो जेई की, वो किस लिए कर रहे हो? ताकि मेरा एक गोल फिक्स है। गोल क्या है? अरे आप लोगों का गोल क्या होना चाहिए? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, अभी आईआईटी बॉम्बे रखो, आईआईटी बॉम्बे सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बैच 2023, ठीक है? कितने बच्चे होंगे? 100 बच्चे इंटेक्ट होगा, इंटेक सौ बच्चों का हो सकता है, चेंज करके, अगर चेंज करके तो दूसरी बात है, 100 बच्चे भारत के एकदम श्रेष्ठ टॉप 100 स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन अ क्लास और सीएससी डिपार्टमेंट कौन सा? अगस्त 2023। तो उसमें मेरी एक सीट होगी, बस फिर क्या है, लाइफ चिल है। 2023 में यहाँ एडमिशन, 2027 में मैं बाहर। चलो ठीक है, ऐसे नहीं मैं इधर ही सर इंजीनियरिंग कर लूंगा, शेगांव पहुंच जाऊंगा, ये सब छोटे मोटे सपने मत देखो, सपने देखो बड़े। आईआईटी बॉम्बे सीएसई एकदम भयंकर फाड़ू प्लेसमेंट होगा। एक सेकंड, स्क्रीन गया, आई एम टू सॉरी। ओके चलो, अब अपन ने क्या किया, अपन ने माइक्रोमीटर देख लिया। अच्छा, उससे छोटा होता है ये कौन से नंबर का था? छठे नंबर। उससे छोटा होता है
नैनोमीटर, नैनोमीटर ठीक है. तो नैनोमीटर, वन नैनोमीटर इज nm इज 10^-9 मीटर ठीक है. फिर होता है पिकोमीटर, 10^-12. फिर एक होता है एमस्ट्रॉन्ग, 1 a के ऊपर ऐसा नॉट लगा दो, दिस इज 10^-10 मीटर. ये नैनोमीटर के बाद आता है ठीक है. एंड वन इज फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर इज 10^-15 ठीक है. एफ एम फर्मी मीटर, ए नॉट एमस्ट्रॉन्ग, एन एम नैनोमीटर हो गया. पीएम क्या होता है, पीएम पीको मीटर. एन एम पीएम क्या होता है, पीको मीटर. छाप लो और याद रखना एमस्ट्रॉन्ग 10^-10 होता है, एक अलग यूनिट. चलो राघव ने कर लिया, प्रथम ने कर लिया, मयंक भैया किया कि नहीं. सिद्धांत, आशुतोष, मयंक, प्रियंका, ओके. तो सबको रट गया क्या, सबको एकदम अच्छे से रट गया. नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ओके. अब इस पे सवाल करते हैं, ध्यान से देखना. आपको बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग ठीक है. सो कन्वर्ट द फॉलोइंग इज 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना नैनोमीटर होता है, ये बताना. 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना नैनोमीटर होता है, 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना नैनोमीटर होता है, ये बताना. ओके, कुछ बच्चे रिप्लाई मार रहे हैं. 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना नैनोमीटर होता है, वेरी गुड. स्वाम का आंसर सही है, बाकी जनता का, हर्षिल का सही है. क्या कर रहे यार, एक एमस्ट्रॉन्ग कितना नैनोमीटर होता है. अच्छा नैनोमीटर कितना मीटर होता है अर्जुन, एक नैनोमीटर कितना मीटर होता है बेटा, माइक ऑन करो अर्जुन. कृष्णा अर्जुन, हेलो. हाँ, कितना नैनोमीटर, एक नैनोमीटर कितना मीटर होता है. 1×10^-9. अच्छा, एक एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है, एक एमस्ट्रॉन्ग कितना मीटर होता है. 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना मीटर, 10^10 10^-10. हाँ बस. तो क्या करो, आपसे ये पूछा है ना, मैंने क्या किया, 1 नैनोमीटर, सॉरी व्हाट आई डिड वाज आई डिवाइडेड दिस सिंपल थिंग, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एमस्ट्रॉन्ग. बहुत बढ़िया. क्या होगा, 10^-9, 10^-10 मीटर, मीटर 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 गए, खलास झालं. आता बघा 1 नैनोमीटर किती आहे, ये इसको ऊपर पहुंचाओ, -9+10 ये एमस्ट्रॉन्ग. तो ये कितना हुआ, 10^1, दैट इज 10 एमस्ट्रॉन्ग. 1 नैनोमीटर इज 10 एमस्ट्रॉन्ग.
वन नैनोमीटर इज 10 एमस्ट्रॉन्ग, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होगा, 1 अपॉन 10 नैनोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 1 नैनोमीटर या 0.1 नैनोमीटर। कितनों को समझ में आया? देखो छोटा कौन है, छोटा एमस्ट्रॉन्ग है, छोटा कौन है, एक नैनोमीटर के 10 हिस्से करोगे, एक नैनोमीटर के 10 हिस्से करोगे तो आपको एक एमस्ट्रॉन्ग मिलेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही? तो 1 दिस इज 0.1 बेटा, समझ में आया इसका ये एक्सप्लेनेशन? क्लियर है बाकी जनता? यश? यस सर। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ओके, सृष्टि का आया, अनुज, विनीत, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट छाप दिया आप लोगों ने। ओके ओके, ये यहां तक हो गया। चल नेक्स्ट, ये बताओ 500 नैनोमीटर कितना एमस्ट्रॉन्ग होगा, 500 नैनोमीटर कितना एमस्ट्रॉन्ग होगा? हो गया क्या? बेटा जोर लगाओ, ये देखो एक नैनोमीटर 10 एमस्ट्रॉन्ग होता है, एक नैनोमीटर 10 एमस्ट्रॉन्ग होता है, तो 500 नैनोमीटर कितना होगा? यश सर 5000 एमस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि एक नैनोमीटर 10 एमस्ट्रॉन्ग होगा तो 500 कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 5000। दिव्याम ये है सही आंसर, अनुज का सही है। अरे नहीं चमक रहा, एक नैनोमीटर 10 एमस्ट्रॉन्ग है तो 500 नैनोमीटर कितने हो गए, 5000। बात समझ में आ रही है? ओके, इसका क्या करें भाई? हाँ भाई बताओ, 5 × 10⁻⁷ मीटर कितना एमस्ट्रॉन्ग होगा? देखो
हाँ तन में बताओ। 5000। 5000 देखो कैसे, ये 5 × 10⁻¹⁷ मीटर है। मैंने क्या किया, मेरे को एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको −7 × 10⁻³⁻³ से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो कितना बचा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ ये सुनो सुनो, इसको ऐसे करो, अभी थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसको ऐसे कर दो, इसको जो नीचे है वही ऊपर जाएगा। दिस इज 10⁻³ + 3 और −3 से ये मल्टीप्लाई किया मीटर। अब ये जो पार्ट है ये वाला, तो 5 × 10⁻³ दिस इज 10⁻¹⁰ मीटर। अब इसको मैं कन्वर्ट क्या कर सकता हूँ, दिस इज 5000, 10⁻¹⁰ मीटर इज एमस्ट्रॉन्ग। सो यार समझ में आया? घबराना नहीं, अभी नहीं तो बाद में आ जाएगा। यहां तक आ गया प्लीज बताओ, लास्ट वाला और बता दो, 300 एमस्ट्रॉन्ग कितने नैनोमीटर होगा? विनीत बताओ बेटा। सर नहीं आया सर, वो नहीं आया। नहीं सर। और जो कोहली जी बताइए सर। 30। 30 वेरी गुड। अरे यार देखो विनीत, एक नैनोमीटर कितना होता है? 10 एमस्ट्रॉन्ग। 10 एमस्ट्रॉन्ग एक नैनोमीटर होगा, 10 एमस्ट्रॉन्ग एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर। तो 300 कितना हो जाएगा? 300 एमस्ट्रॉन्ग 30 नैनोमीटर। अरे 10 का एक हुआ, 100 का 10 होगा, 300 का 30 होगा। देखो 100 एमस्ट्रॉन्ग कितना हो जाएगा, 100 एमस्ट्रॉन्ग 10 नैनोमीटर होगा, तो 300 एमस्ट्रॉन्ग 30 नैनोमीटर। ये 5000। क्या यहां तक क्लियर है? देवेश, अमीश, अचल, बेटा डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा ज्यादा? नो सर। नो सर। राघव तबीयत ठीक है बेटा? ऑल गुड। चलो बहुत सही। अब नेक्स्ट चीज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको प्यार से बोलते हैं ई और कैपिटल वी। इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई, वोल्ट का कैपिटल वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या है डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है? ई बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी गेन by an electron, by an electron when it is placed in an electric field, when it is placed in an electric field of potential difference, of potential difference
ऑफ वन वोल्ट। सर ये क्या है, नीचे का समझ ही नहीं आया। बस इतना याद रखो, इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये है काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन जितनी गेन करेगा, ये मैं समझा देता, अब वेट करो थोड़ा सा, वेट करो। यहां तक छाप लिया क्या आपने? समझाएंगे एक एक पॉइंट करके आपको समझाएंगे। अभी मुझे ये बताओ सिमरजोत, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बेटा ध्यान से मेरी बात समझो, ये एक बैटरी है, इसका वोल्टेज मान लो 1 वोल्ट है। बैटरी yes. नाम सुना है क्या? यस सर। ये कौन सा एंड होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? छोटा वाला। छोटा वाला हाँ। और पॉजिटिव। ये क्या बात है सिमरजोत, नेगेटिव होता है छोटा वाला? इसका छोटा हुआ मतलब है लोअर वोल्टेज, ये है हायर वोल्टेज। हायर वोल्टेज मतलब प्लस, ठीक है। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रिलीज किया, बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। बताओ इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, लेफ्ट की तरफ भागेगा क्या इसी के अंदर पीछे चला जाएगा? नहीं सर, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ भागेगा। अच्छा पॉजिटिव की तरफ भागा तो मान लो वन वन इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, भागेगा भागेगा, अट्रैक्ट होगा ना इसकी तरफ। यस, ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये भागेगा, इट विल रन द इलेक्ट्रॉन विल रन, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड, इसको एनोड। द इलेक्ट्रॉन विल रन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यहां से यहां भाग के आया। द इलेक्ट्रॉन विल रन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड तक वो रन करेगा। अच्छा रन करेगा तो क्या एनर्जी गेन करता है? कुछ एनर्जी गेन करता है ना, काइनेटिक एनर्जी गेन, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगा इसका चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और आपने बैटरी का वोल्टेज कितना लगाया, बैटरी वोल्टेज। किस चीज पे डिपेंड करता काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता कि आपने कितने चार्ज का इलेक्ट्रॉन दौड़ाया है। किस पे डिपेंड करता, आपने कितने चार्ज का इलेक्ट्रॉन दौड़ाया है और वो बैटरी का वोल्टेज कितना है, और वो बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो चार्ज कितना है, चार्ज कितना है क्यू, वोल्टेज कितना है बैटरी का वोल्टेज भी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, चार्ज Q into वोल्टेज V, चार्ज Q into वोल्टेज V। जरा छाप लो, ये समझ में आ रहा है? अभी एक बारी में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो, प्रॉब्लम करते हैं समझ में आएगा। चले यहां तक छाप लो। ओके खुशी ने डन कर दिया। मराठी बंधु प्लीज जल्दी जल्दी करो, मयंक है, सृष्टि, विदान, विनीत, रौनक, प्रियल, नंदिनी, हर्षिल, दिव्याम, दिवेश, अर्जुन, ननोज, अमीश। चलो अब इसको और आगे समझते हैं। मान लो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, चार्ज Q इंटू वोल्टेज V। मैंने चार्ज रखा 1 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज रखा 1 इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज रखा 1 वोल्ट, वोल्टेज रखा 1 वोल्ट, तो ये कितना है 1 eV, 1 into 1, ठीक है। तो वॉट इज 1 eV, जब चार्ज हो 1 इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना जाएगा 1 into E, और वोल्टेज कितना हो, वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट,
जब एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्टेज बैटरी में रखते हैं तो वो कितना कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दौड़ के आएगा तब वो 1 EV एनर्जी गेन करेगा। कितने एनर्जी गेन करेगा? 1 EV। अच्छा इसको है ना जूल्स में कन्वर्ट करते, काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में लिखते थे ना, तो 1 EV देखो बेटा ध्यान से सुनना, 1 जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो काइनेटिक एनर्जी इज 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है कूलम, और ये इंटू 1 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। तो 1 EV जो है, 1 EV वो कितना होता है, 1 EV जो होता है, 1 EV दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स। इसको याद रखना है डॉक्टर की तरह, इसको याद रखना है डॉक्टर की तरह, 1 EV इज इक्वल्स टू 10⁻¹⁹ जूल्स, 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹। तर सांग अभी और प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा ये बताओ 2 EV कितना जूल्स हो जाएगा, 2 EV कितना जूल्स हो जाएगा, अरे 2 × 1 EV की कितना है 1 EV, तो ये कितना जूल्स होगा, तो इसको 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स कर देंगे, कितना हुआ 3.2 × 10⁻¹⁹ जूल्स। क्या क्लियर है? ठीक। अच्छा ये बताओ 8 EV कितना जूल्स होगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, इसका आंसर बताएगा मुझे अमीश, 8 EV कितना जूल्स होगा? यस सर। सर 12.8 × 10⁻¹⁹ जूल्स, 12.8 × 10⁻¹⁹। क्या बच्चे ने सही बताया, दिव्यांग देवेश? यस सर। क्या किया, सीधा 8 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा सबसे टफ सवाल नंदिनी बताओ 10 EV कितना जूल्स होगा? 1 मिनट सर। आराम से माइक बंद करके सॉल्व कर लो। हर्षिल तुम बताओ बेटा,
सर 16 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 16 देखो a की भी 1.6 तो इनटू 10 कर दो 1.6 इनटू 10 आ जाएगा 16 अरे किस घर की आवाज है नंदिनी बंद कर दो बंद कर माइक बंद कर ओके आप लोगों ने मोल पढ़ लिया एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं तन्मय बताओ बेटा एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.023 इनटू 10 रेस्ट पावर 23 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23 ठीक है अब बात ध्यान से सुना ये एग्जाम में आया हुआ है Convert 1 EV into kilojoule per mole. एक EV को kilojoule per mole में convert करिए. एक EV को kilojoule per mole में convert करिए. तो ये देखिए. 1 EV कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 1.6 into 10 to the power minus 19 10 to the power minus 3 into 10 to the power 3 जूल ये 10 to the power 3 और 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये कितना हो जाएगा 1.6 into 10 to the power माइनस 19 और माइनस 3 माइनस 22 किलो जूल कितना हो गया ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 किलो जूल हो गया अच्छा ये किलो जूल हो गया बहुत बढ़िया अब मुझे क्या कहा इन्होंने बोला है पर मोल से तो मैंने क्या किया पर मोल निकालना है तो मोल से डिवाइड किया मोल से मल्टीप्लाई किया मोल से डिवाइड मोल से मल्टीप्लाई तो ये चीज आ गई अब 1.6 into 10 to the power minus 22 into mole upon kilojoule per mole. आप क्या करेंगे? ये mole की value डाल देंगे. 1.6 into 22. एक mole की value होती है 6.023 into 10 to the power 23 kilojoule per mole. क्या है? Kilojoule per mole. This is value of one. ये क्या है दिस इज वैल्यू ऑफ 1 ईवी तो 1 ईवी की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई करिए जरा क्या आंसर आता ये माइनस 22 है ये प्लस 23 है और 1.6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से क्या आंसर आता सर वो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर में हाँ ये वाला ना हाँ ये क्यों किया हाँ सर देखो ये 10 टू द पावर माइनस 3 और ये 10 टू द पावर प्लस 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता 1 मुझे ये जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना था तो मैंने क्या किया 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जो मल्टीप्लाइड वाला है 10 टू द पावर 3 1000 जूल इज 1 किलो जूल और इसको इधर भेज दिया जैसे मैं ये करूं तो दिस इज 1 This is one, तो इसको जो है प्लस वाले को जूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 जूल को मैंने किलो जूल बोल दिया और ये माइनस 3 को 19 के साथ भेज दिया माइनस 19 तो माइनस 22 हो गया तो ये आता है कितना आया 96.96 कितना रहा 36 किलो जूल पर मोल 96.63 इसको अपन अप्रॉक्स लिख लेते 1 EV इज इक्वल टू आप आगे से याद रखेंगे 96 किलो जूल पर मोल कितना 1 EV is 96
किलो जूल पर है। इसको छाप लें सर। हाँ बेटा सर, अपने को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो अपने को अपने 10 into 3 से ये कर दिया मल्टीप्लाई, तो होगा किलो जूल में, तो फिर 10 raised to -3 का क्यों काम है उधर? 10 क्या 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 10 से मल्टीप्लाई किया ये किलो जूल हो गया। फिर सर उसका क्या, उसका मतलब यूज क्यों है 10 raised to -3 का, अपने को डिवाइड क्यों करना पड़ा? बेटा डिवाइड मतलब आप अलग से नंबर नहीं ला सकते ना, ये क्वांटिटी तो फिक्स है। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पहले इसको छाप लो, मैं बताता, रुक जाओ बताता बेटा, है ना, घबराओ नहीं। पहले ये पूरा छाप लो, फिर मैं आपको बता रहा हूं आगे। छाप लिया सभी ने? ओके देखो अभी निवारण करते हैं डाउट्स का। बच्चे ने पूछा कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों क्यों किया, अभी कर रहे हैं। देखो मेरे को दिया हुआ है कि ये इतना जूल है, अभी कितना जूल, कितना किलो जूल होगा वो बताना है। लेट्स से दिव्या ये बताओ, 500 मीटर है बेटा, कितना किलोमीटर हुआ बेटा ये? हाफ किलोमीटर। कितना? हाफ हाफ। तो 0.5 किलोमीटर हुआ क्या? हाँ सर। अच्छा क्या किया मैंने, जरा ध्यान से देखो, 500 को 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है, ये समझ में आ रहा प्रोसेस। अब मैंने ये जो क्वांटिटी है 10 to the power 3 into meter, इसको मैंने क्या कर दिया, किलोमीटर बोल दिया। देखो 1000 meter is 1 kilometer, तो मैंने वही किया, 1000 meter is 1 kilometer, और नीचे जो है वो 10 to the power 3 है, 10 to the power 3 है, तो ये कितना है, सॉरी सॉरी अभी मैं एक जीरो कम करता हूँ, एक जीरो ऊपर ज्यादा आ गया। तो यहां से मेरे को 500 by 1000 kilometer मिला, तो ये कितना होता है, दिस इज 0.5। देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया क्या बेटा दिव्यांग, यहाँ करना पड़ा क्या, ऊपर मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया? हाँ सर समझा। क्यों किया? क्योंकि ये जो 500 मीटर है ना, मैं ये इसी को चेंज कर रहा हूँ, 1000 by 1000 is 1 only, बट वो नंबर्स को अरेंज करने का तरीका है, 500 meter ही 0.5 kilometer होता है। आपने अगर ऊपर 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज ना है। बाकी दुनिया को भी क्लियर हो गया कि बच्चों, जनता बताओ, एकदम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं। तो आपको 1 EV की वैल्यू हमेशा रखनी है, 1 EV is equals to 96 kilojoule per mole। बेटा ये जेई में बहुत बार आ चुका, पिछले बार आया था, व्हाट इज, ये 2020 में आया था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5 EV इन किलो जूल पर मोल, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप आंसर बताओ, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नहीं दूंगा, आप आंसर बताओ, 1 EV is 96 kilojoule, तो बताइए जरा 5 EV कितना किलो जूल पर मोल हो गया, इतने चिंदी सवाल किसका आया, सोहम का आया, राघव का आया, तन्मय, तन्मय क्या हो गया बेटा, नेटवर्क इशू आ रहा क्या? क्या सर, हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा क्या? हाँ सर। अंदर बाहर हो रहे हैं? हाँ सर। एयरटेल लगाओ, जियो के चक्कर में मत पड़ो। हाँ सर। ठीक है, एयरटेल वेयरटेल सभी लोग एयरटेल वेयरटेल ले लें, और नहीं तो घर पे वाईफाई लग जाता है तो वाईफाई लगा लो, बट ऐसा नहीं वाईफाई लगा लिया अपन मस्त गेमिंग कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं या पबजी का कोई सब्सिक्वेंट गेम खेल रहे हैं,
जितने को बस पीएस है, इस बार है क्या पीएस? 5 ev 5 × 96 किलो जूल पर मोल. एक्सबॉक्स ठीक है, सबका आ गया, मैच कर गया, वेरी गुड. देखो अब इसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं. क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is placed in an electric field of potential 20 volts. Okay? 20 volts. Calculate its kinetic energy. Calculate its kinetic energy in first EV mein, सेकेंड जूल्स में, थर्ड किलो जूल पर मोल. एक चार्ज है जिसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. सॉल्व करो, देखते हैं किसको आंसर पहले आता है. वेरी गुड तन्मय, पहला आंसर तो आ ही गया. इतना सरल क्या बोलना मतलब. सारे पार्ट्स आ गए, क्या बात है, सबको आ गए. तो फर्स्ट पार्ट यश बताएगा. यश बता बेटा फॉर्मूला क्या है. क्यू इंटू वी. चार्ज कितना है बेटा? 5 वी. वोल्टेज कितना है? 20 वी. तो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 ईवी. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट एनर्जी बताओ जूल्स में. जूल्स में एनर्जी कितनी हुई? काइनेटिक एनर्जी है 100 ईवी. तो एक ईवी कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ - 19 जूल्स. ठीक है. तो टोटल कितना हुआ ये? 1.60 into 10 to the power minus 17 joules. अरे भाई साहब इतनी सिंपल तो है. अच्छा ये कितना है काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 ईवी. एक ईवी कितना होता है? एक ईवी होता है 96
किलो जूल पर मोल। बी कितना हो गया 9600 किलो जूल पर मोल। सबके मैच किए गए ये? सभी के मैच किए? चलो दो तीन सवाल और करते हैं। देखो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 ईवी एंड वोल्टेज वी इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, फाइंड चार्ज क्यू। बताइए चार्ज क्यू कितना है? क्या बात है सोम मनन, रिप्लाई करो फटाफट फटाफट फटाफट। अनुज का आ गया, तन्मय रिप्लाई करो टेक्स्ट में। विनीत बेटा 200 ईवी एनर्जी है, वोल्टेज 10 लगाया, चार्ज कितना होगा? आशुतोष 20 होगा सर, 20। आशुतोष का गलत है, हर्षिल का गलत है। यार इतना सिंपल सवाल नहीं करवा रहे। ये कितना होता है क्यू इंटू बी, कितना दिया है 200 ईवी, क्यू कितना होगा, ये कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है 200 ईवी, तो 10 से ये कटा, ये वोल्टेज से वोल्टेज कटा, क्यू कितना आया बी सी, क्यू कितना आया बी सी। सर वो मैंने वोल्टेज को 10 ले लिया था, सौ ले लिया था, गलती करी ना, नेगेटिव मिलेगा। तो ऐसे गलती करोगे आईआईटी बॉम्बे फिर दूर दूर हो जाएगा। कितने लोग आईआईटी बॉम्बे, हाँ मैंने शायद पूछा तो था, आपके कोई कजन वजन आईआईटी में है कि नहीं? अच्छा कभी यूट्यूब पे आईआईटी वाईआईटी ये सब देखे हो कि नहीं? आईआईटी का कैंपस दिखाते, आईआईटी के लैब दिखाते, इतना बेहतरीन कैंपस, मेरा वाला कैंपस देखना, आईआईटी हैदराबाद क्या हॉस्टल है, मतलब ऐसा लगा स्वर्ग में बैठ गए, इतने सारे स्पोर्ट्स होते। तुम्हें तो कोई स्पोर्ट्स खेलता कि नहीं? आईआईटी में खुद का स्विमिंग पूल, लॉन टेन, लॉन टेनिस, खुद के जिम, यश को तो मजे हो जाएंगे। आईआईटी जाके फुटबॉल खेलते राघव, वहां पे ट्रेनर भी रहता है, सबके कोच रहते हैं। देखो मजे की बात, जितने भी स्पोर्ट्स खेलोगे सबके वहां कोचेज हैं। फुटबॉल भी होता है, फुटबॉल तो बहुत भयंकर लेवल का होता है। आईआईटीएस के ग्राउंड राउंड देखना, इतने बड़े बड़े ग्राउंड। अरे नहीं देखे तो आईआईटीएस के वीडियो देखो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली भी बहुत अच्छा है, आईआईटी खड़गपुर, सारे आईआईटी अच्छे हैं, कोई भी आईआईटी खराब नहीं है, सारे आईआईटी अच्छे हैं। जो आईआईटी बॉम्बे के अपन महाराष्ट्र में इससे ज्यादा आईआईटी बॉम्बे बोलते हैं, नहीं तो आईआईटी, आईआईटी गुवाहाटी। देखो बेटा ये आपकी ड्रीम है, और ड्रीम को अगर नहीं देखोगे क्या मिलेगा वहां जाके, आईआईटी गुवाहाटी एकदम वादियों में, पहाड़ी पहाड़, एकदम रिवर ब्रह्मपुत्र जारी है, रिवर ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे पहाड़ियों में हिल पे अपना कैंपस, ओहो हो एकदम जन्नत। कहाँ इधर शेगांव वेगांव, शिवाजी कॉलेज, ऐसे फालतू जगह पे मत फंस जाना, मेहनत करो। आईआईटी गुवाहाटी मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कैंपस, मतलब जन्नत। फिर
इधर है, हिमाचल में भी है, ओ इतना बेहतरीन, पहाड़ों में आईआईटी खड़गपुर से 20 हिमालय, ये सब 20 किलोमीटर दूर हिमालय हिमालय सब स्टार्ट हो जाते हैं, आईआईटी रुड़की हम बर्फ बर्फ गिर सकती है आप, तो बड़ा सोचो। ओके सो एक ये लास्ट क्वेश्चन, इफ चार्ज इज 2 इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी इज 1.6 ईवी, फाइंड वोल्टेज, वोल्टेज फाइंड करो। फटाफट फटाफट। हाँ भाई तन्मय बताओ, आज तो बताई दो। 0.8। 0.8, वेरी गुड। देखो ऐसे चिंदी सवाल अगर किसी बच्चे ने गलत किए ना, हम बहुत ज्यादा मार खाओगे। दिस इज 2E, दिस इज वोल्टेज V, दिस इज 2, वोल्टेज V इज 0.8। ठीक है, ओके। आई होप सबको आ गया होगा। तो बेटा ये पार्ट अपन ने, बेसिक सा पार्ट है, एक खत्म कर लिया। अब अपन कुछ और चीजें थोड़ी समझते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें और समझते हैं, उसके बाद में अपन मॉडल्स करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए हेडिंग डाल लीजिए, एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। आपने कुछ मॉडल्स कर रखे हैं, अब उसमें अपन एक्स्ट्रा नॉलेज यूज करेंगे। देखो अब आपकी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गए। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए, अब सबसे बड़ी समस्या थी कि ये एटम में कहां पे रहते हैं, ठीक है, ये एटम में कहां पे रहते हैं। तो अपन ये क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री, अपन हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। तो एकदम बह मत जाना कि सर कैसे पता चला, क्यों हुआ, अब ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इसमें थ्योरी लिख लीजिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, साइंटिस्ट थॉट अबाउट अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स inside the atom, inside the atom. These and models dealing with and models dealing with this arrangement, dealing with this arrangement of fundamental particles inside the atom are known as atomic model, are known as atomic model. are known as atomic model. ठीक है, इसमें फर्स्ट मॉडल है JJ Thomson's model. क्या है, JJ Thomson model. छाप लो,
हो गया। इसमें पहला अभी कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, ऐसे थ्योरी पढ़ने के लिए बस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जे जे थॉमसन इन्होंने क्या बोला कि देखिए, इन्होंने बोला जैसे तरबूज होता ना, तरबूज, तरबूज खाया आप लोगों ने, अभी गर्मी में तरबूज होते हैं, तो तरबूज को काट के देखो तो उसके अंदर लाल भरा रहता है, जो उसको क्या बोलते हैं यार, उसका जो एडिबल पार्ट रहता है, गिरी बोलता है उसको, जो लाल कलर की गिरी रहेगी। वो बोल रहे हैं कि जो भी आपका तरबूज है, वाटरमेलन है, दिस इज तरबूज, ठीक है, ये वाटरमेलन जैसा मेरा एटम है, ये तरबूज जैसा वाटरमेलन जैसा मेरा एटम है, और इस एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ये एटम कैसा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर जैसे बीज होते हैं, बीज, बीज पता है सीड्स, जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जेस उसके अंदर है, ऐसे नेगेटिवली चार्जेस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। तो एकदम सिंपल चीज बोली है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्पीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर embedded, embedded मतलब धसे हुए हैं, embedded in between to maintain electrical neutrality known as प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, मेलॉन मॉडल, ठीक है, तरबूज में बीज जैसा मॉडल। ये पहले पढ़ रखा था आपने छोटे स्टैंडर्ड में, ओके छाप लो। क्या
जे जे थॉमसन अंकल, मॉडल एकदम साफ, बोला कि तरबूज में बीज टाइप। देखो जो तरबूज में बीज होता है ऐसा नहीं है कि वो कि एक लेफ्ट कॉर्नर में ज्यादा रहेगा, वो यूनिफॉर्मली रहता। तो ऐसा बोला कि जो लाल, अच्छा ये बताओ क्या बोलते हैं उसको मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं जो लाल कलर का जो मेन मीठा पार्ट रहता, इंग्लिश में नहीं बता, जो भी रेड कलर का रहता वो पूरा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ताकि पॉजिटिव नेगेटिव नलिफाई कर। बट इनका मॉडल क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ जे जे थॉमसन मॉडल, it could not explain Rutherford's famous gold foil experiment. क्या हुआ, वो Rutherford का जो famous gold foil experiment है उसको explain नहीं कर पाया। Rutherford का famous gold foil experiment है उसको ये explain नहीं कर पाया। Rutherford का gold foil experiment का उसको ये explain नहीं कर पाए। चलो अब Rutherford का gold foil experiment देखते हैं। Rutherford का gold foil experiment देखते हैं। I hope इतना हो गया होगा। Next heading डाले second model Rutherford's model of atom या Rutherford's nucleus model, Rutherford's nucleus model, Rutherford's nucleus model, ठीक है। अच्छा अब इसको एक और भी बोला जाता गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कितनों ने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा होगा ना, पहले पढ़ाते हैं एक बार वापस से पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये सेटअप कैसा था वो जरा देख लेते हैं। हाउ was the setup done? How was the setup done? तो देखिए setup ऐसा है, देखो ऐसा setup है, इसको अभी draw मत करिए, मैं आपको समझा देता हूँ बाद में करना। ये देखो ऐसा ये एक्सपेरिमेंट था, यहां पे ये गोल्ड फॉइल है, यहां पे एक ऐसी गोल्ड फॉइल है, देखो ऐसा दिया है, इसको बोलते हैं स्लिट, यहां पे ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब क्या होता है, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या जाता है, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जाता है अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या जाता है अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये स्लिट से, स्लिट मतलब जैसे कोई भी पेपर लो और उसके अंदर एक बार है ना आप जो ब्लेड होती है ब्लेड से एक छोटा सा पार्ट कट कर दो
तो ऐसा ये स्लिट होता है। अब अल्फा पार्टिकल क्या देता है, सॉरी रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या देता है, अल्फा पार्टिकल देता है। अल्फा पार्टिकल का ये क्या है, सोर्स है। तो अब यहां से अल्फा पार्टिकल आया, अब ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल पे जाके टकराएगा, और यहां पे मैंने क्या ले रखा है, यहां पे मैंने ले रखा है स्क्रीन। यहां पे क्या ले रखा है, यहां पे मैंने ले रखा है स्क्रीन। यहां पे क्या ले रखा है, मैंने ले रखा है स्क्रीन। अब क्या होगा बेटा, ये यहां पे गया, यहां पे गया, एंड ये इधर अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल। अब देखा गया कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स क्या होते बेटा, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ये देखा गया मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल एज इट इज निकल जाते हैं। मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज उससे पास होके निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे जाके टकरा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, ये थीटा वन पे, कुछ थीटा टू पे, और बहुत रेयर कोई होगा कि वो ऐसा पाथ रिट्रेस कर रहा। ये तो सारे ऑब्जर्वेशन देखे क्या है, पहले सेटअप क्या है। सेटअप में बेटा फर्स्ट आई हैव दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इससे रेडियो एक्टिव से अल्फा पार्टिकल निकलता, फिर मेरे पास में एक स्लिट है, ये स्लिट है, ये स्लिट में ऐसा छेद है, और इस छेद से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इस छेद से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और ये गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड की फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होगा। देखा कि मेजॉरिटी ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, मेजॉरिटी ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, ये स्क्रीन है, ये क्या है बेटा, स्क्रीन है। दिस इज मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है, और इसपे किसकी कोटिंग है, इसपे जेड एन एस की कोटिंग होती है। अब मेरे को कैसे पता चला, मेरे को कैसे पता चला कि पार्टिकल स्ट्राइक हुआ इधर एंगल पे या इधर एंगल पे, क्यों, क्योंकि कुछ पार्टिकल डिवीट किए, वो यहाँ पे स्ट्राइक किए। तो दिस इज मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन, ये क्या होता है, जेड एन एस पे फ्लोरोसेंस क्रिएट होता है, जेड एन एस पे क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्रिएट होता है, छाप लो इसको, जेड एन एस सरफेस पे फ्लोरोसेंस क्रिएट होता है, छाप लो इसको। ZNS पे फ्लोरोसेंस क्रिएट होता है, सबने छाप लिया, थम्स अप दे दो अगर छाप लिए तो।
छाप लिया। अब जो पहले तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, अब रदरफोर्ड ने क्या क्या देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि मेजॉरिटी जो है, जो मेजॉरिटी चीजें हैं वो पास हो रही है अल्फा पार्टिकल एज इट इज, कुछ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल डिविएट कर रहे हैं और बहुत रेयर पार्टिकल हो रहे हैं जो वापस पाथ रिट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। सबने छाप लिया क्या? साक्षी, नंदिनी, आशुतोष, देवेश, मयंक, तन्मय, रौनक, रौनक है, रौनक, राघव, प्रियंका, अमीश। देखो आपका एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ सर इतना ही लेक्चर हो गया, ऐसा नहीं है। मैं 8 बजे तक भी लेक्चर रख सकता हूँ। अभी इनिशियली थोड़ा सा ना आप पे प्यार हमारा ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा कम ही पढ़ाते। जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ जाएगी, चैप्टर्स बढ़ जाएंगे, फिर आपका और ज्यादा ड्यूरेशन की क्लासेस होंगी, फिर 3-3 क्लास होंगी। हाँ भाई सिमरजोत। हाँ सर, मतलब जो अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे हिट करते थे तो वो स्क्रीन हिलती थी क्या? मतलब क्या स्क्रीन हिलती थी क्या? वो स्क्रीन जब अल्फा पार्टिकल नहीं 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 स्क्रीन हिलती नहीं थी, स्क्रीन पे ना ZNS की कोटिंग लगा रखी तो वो स्क्रीन शाइन मारती। ये मूवेबल मतलब इसको है ना, ये जो है ना मैं इसको थोड़ा घुमा सकता हूँ, ये एंड यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर वैसा हो सकता है, इसको मूवेबल करना है। मतलब थोड़ा सा पार्ट जो है ना इधर लेके आ सकता हूँ, थोड़ा नीचे लेके आ सकता हूँ, और कोई रीजन नहीं है, मूव नहीं करती है, फिक्स रहती है स्क्रीन। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा, व्हेन, ऐसे लिख लेंगे, व्हेन रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड विथ अल्फा पार्टिकल ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अराउंड 90%, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल without having any deviation. क्या है, most of the alpha particle कैसे हुए pass, without any deviation, straight pass हुए बिना किसी deviation के। फिर देखा, very few alpha particles deviated through an angle, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स एंगल से डिविएट हुए और वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज 1 in 20,000 रिटर्न दैट इज suffer an deviation of 180 degree. बहुत रेयर हुए जो कि 180 डिग्री का डिविएशन उन्होंने सफर किया। लिख लीजिए इसको, जो मैंने बताया वही तो है, मेजॉरिटी क्या हो गए, बिना किसी डिविएशन के पास हुए 90% के अराउंड, 99%। कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल के थ्रू और वेरी वेरी 20,000 में से एक क्या हुआ, वो 180 डिग्री रिटर्न मार गया।
बीच में से एक रिटर्न बैक मार गया, ठीक है ओके। अब ऑब्जर्वेशन हो गए, अब कैलकुलेट कुछ इसके कंक्लूजन अपने को बताने हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो कंक्लूजन बता रहा हूं मैं, जो कंक्लूजन बता रहा हूं बेटा ध्यान से समझिए। देखो मेजॉरिटी पार्ट क्या होता है, उसने क्या देखा, उस बंदे ने देखा कि यार इसको कंक्लूजन उसने कैसे कंक्लूड किया, उसने कंक्लूड किया कि मैं जो है ना अल्फा पार्टिकल डाल रहा हूँ, ये एज इट इज आ रहा, ये एज इट इज आ रहा, ये एज इट इज आ रहा, यार सारे के सारे तो एज इट इज आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर जो भी चीज है, जो भी चीज है वो पूरा ब्लैंक है, पूरा खाली चीज है। मतलब देखो आपने ऐसे अल्फा पार्टिकल डाले, सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज है, अगर कोई चीज है ही नहीं बीच में तभी तो होगा कि वो सारा का सारा एज इट इज जाएगा। अगर बीच में कोई चीज है तब वो टकरा के कोई एंगल से, क्या मान लो एक ऐसा है, अगर अब ये ऐसे टकरा के ऐसे चला गया तो चलो मान मान लेते अपन ऐसे आके ऐसे टकरा थीटा एंगल से, और एक ऐसा होगा। तो इन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड अंकल ने क्या बोला, बोला कि मैक्सिमम स्पेस जो है ये पूरा एटम है, ये क्या है, ये पूरा एटम है, ये एटम में सिर्फ अंदर अंदर जो है अंदर मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है मैं बताऊंगा। उन्होंने बोला ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। अब जब मेरा एटम में मैं डाल रहा हूं तो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल एज इट इज जा रहे हैं, मतलब अंदर अंदर पूरा खाली स्पेस है, और ये अगर रिपेल मार रहा है, ये रिपल्शन मार रहा है, ये जो है एक पार्टिकल रिपल्शन मार रहा है, इसका मतलब क्या है, अंदर एक सेकेंड स्क्रीन शायद चेंज हो गया, वेट अ सेकेंड, एक घंटा बेटा मैं ठीक कर दूं इसको। आ रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। देखो रदरफोर्ड ने बोला, देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला, ध्यान से मैं दिखाई दे रहा, देखो ध्यान से रदरफोर्ड ने क्या बोला कि अपन ऐसा ही मेरा एटम है, ठीक है, एटम पूरा
खाली स्पेस है, एटम में मेजोरिटी खाली स्पेस है, और सेंटर में क्या है, उसका कुछ मास है, और ये अल्फा पार्टिकल एज इट इज गया, ये अल्फा पार्टिकल एज इट इज गया, नीचे वाले एज इट इज जा रहे, नीचे वाले सारे, जो ये वाला अल्फा पार्टिकल है जो इससे टकराया, ये जाके रिबाउंड किया, यानी कि ये ऐसे टकरा के ऊपर गया या ऐसे एंगल बनाया, तो उसने बोला कि सारा स्पेस क्या है, ये पूरा एटम जो है ये पूरा खाली स्पेस है, और एकदम सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। तो फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ने डिस्कवर की न्यूक्लियस की, जो भी सारा का सारा मास होता है वो कहां पे होगा, एकदम एटम के सेंटर पे होगा, और उसका मास बहुत ज्यादा होगा। और उसने ये भी बोला कि ये मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला और पॉजिटिव चार्ज इधर जाके वापस इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज रिपेल हुआ, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस का क्या चार्ज है, पॉजिटिव। फिर सर इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में घूमता है, वही आपको अभी तक पता है जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी, उसने यही तो बोला कि जो एटम होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट एक आउटर न्यूक्लियर पार्ट, सारा मास सारा पॉजिटिव चार्ज किस में है, न्यूक्लियस में, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल में घूमते हैं। बस यही डिस्कवर थी। कैसे पता चला एक्सपेरिमेंट से, यार अगर सारी चीज पास हो रही है इसका मतलब खाली तो होगा, कुछ भी ऑक्यूपाइड नहीं है, और बीच में सारा मास है। ये सबको समझ में आया क्या बेटा, ये सबको समझ में आया, ये ड्रॉ कर लो, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डिविएशन, ठीक है। सो स्पेस इज फ्री, ठीक है, मास सिर्फ सेंटर में हो, इसको ड्रॉ कर लो, ये कर लेते हैं ना बाद में, अच्छा एक चीज और ये लिख लो, जैसे आपका जैसे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अपने, 5 मई से अपने जो भी नए बच्चे जो भी आते हैं अपने यहाँ पे, जैसे आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे बच्चे हैं, माउंट कार्मल से हैं, निशु कोठारी से हैं, सब अप्रोच करते हैं, तो अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको बताना 5 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जैसे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको अपन कवरअप करा के, उनको जो बाद में आएंगे उनको अलग से पढ़ा के उनको आपके बराबर कराएंगे, ठीक है। तो अभी एक और बैच जो अपना जेई और नीट का वो स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, ठीक है, 5 तारीख से जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप इन्फॉर्म करना चाहें इन्फॉर्म कर सकते हैं, 5 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट। यहां तक लिख लिया क्या, डन लिखो भाई, अगर लिख लिया है तो डन लिखो, ओके। फिर कंक्लूजन में अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखें मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, देखो फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम, लिखो भाई नोट्स लिखो, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, लिख लिया। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था कंक्लूजन में, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, सेकंड लिखो, देयर should be second point likho, there should be
अ हार्ड पॉजिटिवली चार्ज अ हार्ड पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट एट द सेंटर एट द सेंटर अल्फा पार्टिकल्स गोइंग क्लोज टू दिस डेंस ऑब्जेक्ट विल फील रिपल्शन एंड डिविएट फ्रॉम देयर पाथ और वो अपने पाथ से डिविएट हो जाएंगे. रदरफोर्ड नेम्ड दिस this hard positively charged dense object as nucleus. उसने क्या नाम दिया? Nucleus. ठीक है, उसने क्या नाम दिया? Nucleus. Later stage में पता चला nucleus contains प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये लेटर स्टेज में पता चला. सबको इस चीज का नॉलेज था. फर्स्ट पॉइंट क्या था? मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. सेकेंड पॉइंट पता चल गया. हो गया. सबको पॉइंट लिख लिए? हाँ बेटा राघव, क्या डाउट है? नहीं सर, हो गया क्लियर. हो गया. क्या था सबको क्लियर? नहीं सर, वो मेरे को लग रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज रहते और फिर वो उससे रिपल क्यों रहते जब वो पॉजिटिवली है. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. वही सर, वही डाउट था, उसमें ही था. ठीक है, थर्ड एक लिखिए. अल्फा पार्टिकल्स that are positively charged going straight to the nucleus will feel maximum repulsion and return back to their original path. ठीक है, तो आप पूरा पार्ट रिवाइज कर लेंगे अच्छे से. ठीक है, आई होप मैंने डीपीपी 1 दी थी. क्या डीपीपी 1 एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन सारा पार्ट हो गया था क्या?
केमिस्ट्री के जो डीपीपी वन दी थी सीपीपी वन करके, उसमें सारे इजी इजी सवाल थे, आई होप सबसे हो गए होंगे। सिर्फ जो डेंसिटी वाले हैं वो नहीं करने थे कि एटम की डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, और डायमीटर का साइज क्या है, न्यूक्लियस का साइज क्या है, वो छोड़ के बाकी सारे करने थे। तीन चार सवाल अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, तब हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप मन बना के चलो कि ऐसा नहीं कि लेक्चर 4:30-7 बजे खत्म हो रहा, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, ओके, बाय बाय। व्हाट्सएप मैसेज करो आज का समझ में आ गया हो तो, आज का पूरा पार्ट समझ में आ गया हो तो व्हाट्सएप मैसेज करो। आज का पार्ट समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप मैसेज करो भाई। आज का पार्ट समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप मैसेज करो। ओके, व्हाट्सएप मैसेज करना भाई।